हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज फैमिली ब्लॉग प्लस किचन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ वीराज फैमिली ब्लॉग से वीराज केक डिलाइट कर रही हूँ, जो कि मेरी बेकरी का नाम है, जो मेरी होम बेकरी है और जो मैं डब्बा देती हूँ उसमें मैं वीराज केक डिलाइट ही लिखी रहती हूँ और वीराज केक डिलाइट के नाम से ही मेरी बेकरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब का जो चैनल है उसे भी मैं नाम चेंज करके वीराज केक डिलाइट ही कर दूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप होम बेकर हैं या फिर केक बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो जंगल थीम केक मैं आपको बताने वाली हूँ, ये थीम तो के आई थिंक सब लोगों ने बनाया होगा, ये सब लोगों के पास उसके ऑर्डर्स आते हैं। तो एक और न्यू तरीके से मैं बनाऊँगी, जस्ट टॉपर का यूज़ करके मैं इसे डेकोरेट करूँगी बहुत ही आसान तरीके से। इनफैक्ट ये थीम केक मैंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए भी बनाया था, अभी वो 2 साल का है, फर्स्ट बर्थडे जब मैं सेलिब्रेट की थी तो मैंने ये थीम केक बनाया था। और उससे मुझे कुछ सीख मिली कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे किस तरीके से आप थोड़ा एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्म डाल सकते हैं अपने इस जंगल थीम केक में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये नॉर्मल पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, तो स्पॉन्ज केक में मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाला था और इसमें मैं बहुत ही थिन लेयरिंग कर रही हूँ क्रीम की, आप देख रहे होंगे 2-3 स्पून जो भी ले रही हूँ। और ये काफ़ी, ये जो केक बोर्ड है ये 15 इंच का है और जो मैं स्पॉन्ज केक बनाई हूँ ये 12 इंच के केक टिन में मैं बनाई हूँ। तो आपको फील हो रहा होगा कि इतना बड़ा केक में काफ़ी कम क्रीम, क्योंकि इसके लेयर्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जो ये मेरे कस्टमर हैं इनके बहुत सारे केक्स, और जो ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ काफ़ी दिन पहले का वीडियो है, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस, इतने सारे वीडियोस हो गए हैं कि मैं पोस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और इनका मोस्टली केक पाइनएप्पल फ्लेवर ही जाता है। उसके बाद मैं क्या की हूँ, इसमें एक और टिप मैं यहाँ पे आपके लिए देना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि आप यहाँ पे जो क्रश यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल क्रश का यूज़ ना करें। आप अगर स्पॉन्ज केक में एसेंस डाल चुके, अगर नहीं डाले हैं तो फिर आप क्रश दे, दैट्स ओके। बट अगर आप क्रश एसेंस नहीं डाले हैं तो क्रश जो है वो क्रीम के ऊपर जो आप देते हैं वो कम दें, क्योंकि मैं इसे सोक भी कर रही हूँ पाइनएप्पल क्रश के साथ ही, उसमें वाटर ऐड करके। और अगर फिर आप उसमें, या फिर जो भी पाइनएप्पल क्रश ना हो तो पाइनएप्पल फिलिंग्स में वाटर ऐड करके आप उसे सोक करें। और अगर आपके पास मीन्स आप सोक भी कर रहे हैं उसी से और क्रीम के ऊपर भी अगर आप पाइनएप्पल क्रश डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट आता है पाइनएप्पल फ्लेवर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है और केक जो होती है वो माइल्ड टेस्ट ही पसंद आती है कस्टमर को, या फिर मोस्टली लोगों को। बहुत, मैं सबके बारे में तो नहीं बोलूँगी बट मैंने ये नोटिस किया है कि हाँ, केक जो है वो मीडियम अगर आप मीठा दीजिएगा ना तो आपको ऑर्डर्स हर बार आपको ही मिलेंगे, आपका केक का टेस्ट है वो बढ़ के आएगा। तो आप बहुत ज़्यादा मीठा ना करें, मीन्स क्रश भी ऐड कर रहे हैं, फीलिंग्स भी ऐड कर रहे हैं, फिर सोक भी इस पाइनएप्पल क्रश से ही यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। और वेट मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कमेंट भी आते हैं कि कितना वेट था, मुझे केक में ज़रूर दिखा दे। और ये फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे इस दिन, ये तो 3 ऑर्डर मुझे 1 घंटे के अंदर में ही देना था। और ये जो मैं जंगल थीम केक बना रही थी इसे तो जो मैं मोस्टली मैं इसे 2 पार्टी में मुझे जाना था, इसमें से जो 2 केक था दोनों, एक बर्थडे पार्टी थी, दोनों बर्थडे ही पार्टी थी, तो एक बच्चे का था एक बड़े का था, तो दोनों के बर्थडे पार्टी में मुझे जाना था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं रेडी कर रही थी 3 केक। मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में ये शेयर की हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हो ना तो आप ये देखिए कि आप सबके क्रम कोटिंग, एटलीस्ट जितना आपके पास मैक्सिमम टाइम बचे आप क्रम कोटिंग कर दीजिए। डिज़ाइन का क्या है वो माइंड में जैसे आते जाए आप बनाते जाइए, बट क्रम कोटिंग करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप कर दीजिएगा तो आपको फिनिशिंग देने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आज जैसा कि आप जानते हैं, अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैं मिनिमम क्रीम के साथ ही डेकोरेशन करती हूँ, बहुत ज़्यादा बेकरी वाला टाइप में क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, एकदम थोक भाव से एकदम लगा दो वैसा बिल्कुल नहीं, जितना मिनिमम क्रीम में डेकोरेट हो सके केक, हमारा केक सुंदर दिखे। ऐसा नहीं है कि मैं मिनिमम क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो फिनिशिंग वाइज बहुत ख़राब रहेगा। आपको अभी लग रहा होगा ये तो क्या है, फिनिशिंग नहीं हो रही है या फिनिशिंग नहीं आ रही है, और आप ये भी देख रहे होंगे मैं कितना मिनिमम क्रीम से इसे अच्छे से स्क्रैप कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स पता है मैंने ये नोटिस किया है, क्रीम अगर आप कम देंगे और स्पॉन्ज केक की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा रहेगी ना तो फ्लेवर है वो निखर के आता है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से 1-2 बार आप ज़रूर ट्राई करें मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स, कि आप अपने कस्टमर को ऐसे टाइप से केक दें।
मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको फीडबैक यही मिलेगा कि लास्ट बार से आपका केक बहुत टेस्टी था, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया, जैसे मैं बताई हूँ, जो जो मैं कस्टमर्स के थ्रू नोटिस करती हूँ कि वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे क्या होगा कि मोस्टली लोगों की थिंकिंग है वो सिमिलर टाइप की ही होती है केक्स को लेकर के, तो उससे आप अपना जो होम बेकरी है उसमें आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर पाएंगे। फिर मैं ग्रास नोजल ली हूँ और आप समझ गए होंगे कि मैंने नीचे कम क्रीम क्यों लगाया था, उसके स्किन क्यों दिख रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रास नोजल से हाइड करना था। तो मैं सोची चलो जब डिज़ाइन दूंगी तो इसमें एक्स्ट्रा क्रीम क्यों लगाऊं, एक्स्ट्रा क्रीम की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ग्रास नोजल से नीचे मैं बॉर्डर दे दी, मिडल में दे दी, और कहीं कहीं पे जो मैं ग्रीन कलर बनाई हूँ ना, ये ब्लू कलर में ही मैं येलो कलर डाली, थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला, एकदम लाइट और इस टाइप का ग्रीन शेड बन गया। फिर पाइपिंग बैग में ग्रीन कलर ली, उसे अच्छे से मिला दिया, और उसके बाद जो मेरे पास ग्रीन कलर बचा हुआ था उसे डाल दी, तो इससे क्या हुआ ना, थोड़ा सा ग्रीन कलर है वो शेडेड में अलग टाइप का हो गया। और ये मैं प्रिंटेबल टॉपर का यूज़ कर रही हूँ, आपको तो इजीली कहीं भी ये टॉपर मिल जाएगा 40-50 रुपए में, बट ये मैंने खुद से बनाया है, आपको देख के समझ में आ गया होगा, इसमें हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, सब कुछ जो नॉर्मल पेन होता है उससे मैंने किया है। और मैं यहाँ पे एक और बात बोलनी चाहूँगी, एक स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेघा पाटिल आई थिंक उनका नाम है, जिन्हें मैं रिप्लाई भी करती हूँ, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मैसेज किया है मुझे कि मुझे वो टॉपर की वीडियो चाहिए। तो सॉरी मेघा जी, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि मैं ये सारे वीडियोस मेरे बहुत पुराने हैं, मैं न्यू वीडियोस में आपके लिए वो टॉपर कैसे बनाना है उसका वीडियो बना रखी हूँ, बट वो मुझे पोस्ट करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। ये ग्लिटर वाला स्पेशली आपने बोला था कि मुझे शो कीजिए, हर वीडियो में आप बोलती हैं, ये कमेंट करती हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मे बी मैं वो आपको रिस्पॉन्स देती हूँ बट उसके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए जल्दी ही वीडियो लाऊंगी इस वीक में, तो मैं आपके लिए ज़रूर एक न्यू वीडियो का जो भी मेरे पास होगा वो शेयर कर दूंगी। मेरे पास पुराने वीडियोस ही इतने सारे हो गए और स्पेस का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है मोबाइल में, तो इसके वजह से मैं सारे वीडियोस है वो पोस्ट तो नहीं कर सकती एक दिन, और एक एक करके मैं करती हूँ, रात में टाइम मिलता है इसलिए मैं रात 11-11:30 बजे तक ही वीडियो पोस्ट कर पाती हूँ, कभी दिन में टाइम मिल रहा तो दिन में कर दिया। तो ये जो टॉपर है, आप मैं बता चुकी हूँ ऐसे एरिया में रहती हूँ कि यहाँ टॉपर नहीं मिलता, इसलिए मैं खुद से बनाती हूँ, और मुझे क्राफ्टिंग का भी काफ़ी इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं ये सब ट्राई करती हूँ, बट आपको इजीली मिल जाएगा तो आप मेहनत नहीं करें। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी, अगर मे बी आप भी ऐसे कुछ एरिया में रहते हो जहाँ आपको टॉपर नहीं मिलता है, या फिर आप खुद से टॉपर बनाना चाहते हैं, आप भी क्राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक और मेरा चैनल है जिस पे मैं क्राफ्टिंग से रिगार्डिंग वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं उस पे अलग से सारे चीज़ की किस तरीके से क्या हर एक चीज़ के रिगार्डिंग मैं क्राफ्टिंग वाला वीडियो शेयर करूँगी, जिससे आप केक टॉपर्स भी ईजिली बना पाएंगे। और ये रहा चॉकलेट रोल, और इसे मैं लगा दे रही हूँ। मेरे पास और भी वीडियोस थे, जब मैंने क्रिसमस केक बनाया था उसमें मैं ये चॉकलेट रोल के बिना ही बहुत ही अच्छा वुडन लुक वाला केक बनाया था, बट उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं थी इसलिए वो उसके मैं वीडियोस भी नहीं बनाती थी, अदरवाइज़ मैं आपको शो करती वो सारे डिज़ाइन, बट आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको न्यू न्यू तरीके से केक को कैसे डेकोरेट करना है, इजी तरीके से कैसे डेकोरेट करना है मैं आपको बताती रहूँगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से न्यू तरीके से केक को डेकोरेट कर पाएंगे और केक को बहुत ही सुंदर बना पाएंगे। तो ये मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा ना ऊपर वाला एरिया खाली खाली सा फील हो रहा था, तो नॉर्मल मैं पाइपिंग बैग में क्रीम फिल की, और उससे इररेगुलर वे में, मतलब प्रॉपर वे में नहीं, इररेगुलर वे में करते हुए थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया। ये एक्चुअली मैंने क्या किया था, अपने बेटे के बर्थडे में वो पॉन्ड वाला इफ़ेक्ट देने के लिए, तो मैंने वो 3 टीयर केक बनाया था, तो उसमें मैंने ऊपर से वो जैसे वाटरफॉल होता है ना, वो वाला इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यूज़ किया था। तो मैं सोची चलो इसमें भी कुछ किया जाए, तो वही नॉर्मल क्रीम कलर, और पता है फ्रेंड्स, ये आप जंगल थीम में अगर इस टाइप का कुछ लुक देना चाहेंगे ना, टीयर में अगर आप बना रहे हैं, तो ये आपके केक को बहुत ही इन्हांस कर देगा। स्पेशली जब मैं ये केक लेके गई, सब लोगों ने बोला कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है मानो वाकई में कोई एनिमल जैसे एलिफेंट है वो पानी पी रहा है, क्योंकि ये ब्लू कलर का शेड आया, वाटर वाला शेड, और ये कलरफुल जैसे स्टोन होता है उस तरीके से मैं कलरफुल वाले जो पर्ल होते हैं वो लगा दी, जिससे ये स्टोन वाला इफेक्ट आ गया, और बीच में
ये आपको जो प्लास्टिक का मिल रहा है इसे मैं अच्छे से पोंछ ली, एलिफेंट या कोई भी एनिमल जो मुझे लगा कि ये इस पे सूट कर रहा है वो अपना सूंड नीचे किए हुए है तो लग रहा है पानी पी रहा है। और सीरियसली फ्रेंड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट लाया ये। तो अगर आप अगली बार आपको जंगल थीम का केक मिले ना तो ये वाला डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड आई मस्ट से कि आपको सब लोग इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये लुक है ना जो थोड़ा डिफरेंट बना रहा है। ठीक है, हमने केक बनाया, टॉपर लगा दिया, दैट्स ओके। और ये क्या आप छोटे केक्स पे भी ये कर सकते हैं, ये छोटे केक्स को भी अगर आप ऊपर में लगा देंगे ना तो ये आपके केक की खूबसूरती को बढ़ा देगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। साथ में मुझे, मैंने जैसा बताया मुझे पार्टी में भी जाना था, तो मैं ये दो एनिमल है ये 50 रुपये का मैं पैकेट ली थी, मैंने बोल दिया था ये मैं मतलब वापस ले आऊँगी, क्योंकि ये मैं और भी केक्स में यूज़ करती हूँ। बाकी जो प्रिंटेबल था उसके लिए मैंने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया था कस्टमर से, और एलिफेंट मैंने नहीं लिया था, बस नीचे का जो एनिमल है वो मैं वापस अपना ले आई थी, क्योंकि टॉपर बनाने में मेहनत भी लगती है। और इसका जो बैकग्राउंड वाला कूट होता है वो जो हाइट वाला केक होता है उसे कवर करने के लिए जो हाफ पोर्शन केक का बॉक्स का बच जाता है, मैं उससे यूज़ करके इसका टॉपर को हार्ड बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बिल्कुल रेडी है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको ये केक डिज़ाइन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। साथ ही अगर आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ एडवाइस हो, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस ला पाऊँ, आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ कुछ और नया सीखेंगे और ब्यूटीफुल से केक डिज़ाइन देखेंगे, जल्दी से बनने वाली हमारे केक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने छोटे छोटे टिप्स जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता हो मेरा तो प्लीज़ 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 लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप मेरे आने वाले सारे वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अब अगले वीडियो में, टिल देन Stop hating and start baking. और हाँ फ्रेंड्स, जो चैनल का नेम चेंज करना है वो मैं इस वीक तक चेंज करूँगी, आज के आज ही नहीं करूँगी। तो stay connected, stay tuned. Till then, take care and bye bye.